तो दोस्तों हमने फाइनली सादरा मेट्रो स्टेशन से निकल दिए हैं अभी कुछ ही मिनटों में और हम वेलकम पहुंचेंगे। वेलकम पहुंचने के बाद सीलमपुर, सीलमपुर होते हुए इसके बाद पुल आएगा रेडफोर्ट, रेडफोर्ट होते हुए पहुंचेंगे वहां पे कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट पहुंचने के बाद दोस्तों हम वहां पे चेंज करेंगे मेट्रो ट्रेन मेहरौली के लिए। कुतुब मीनार जाने के लिए हम अलग लाइन पकड़ेंगे तो हमें कश्मीरी गेट चेंज करना होगा मेट्रो। दोस्तों ये देखिए बाहर का नज़ारा दिल्ली का, पहुँचने ही वाले हैं तो देखिए स्टेशन आने ही वाला है। तो ये सादरा है, सादरा से हमने निकला था तो सादरा काफ़ी ट्रैफिक भी रहता है, कभी कभी खाली भी रहता है, आगे देवसार गार्डन वगैरह आ जाता है। तो फिलहाल हमको इधर वेलकम की साइड जाना है, सीलमपुर होते हुए पहुँचेंगे कश्मीरी गेट, फिर वहाँ से हम चेंज करेंगे, इसके बाद फिर पहुँचेंगे मेहरौली, आपको वहाँ दिखाएंगे कुतुब मीनार। आज काफ़ी खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है, मौसम साफ है, काफ़ी दिनों से धूप नहीं हुई थी तो आज काफ़ी सुहाना मौसम है। तो चलिए अभी हम पहुँचने ही वाले हैं, देखिए हमारा फाइनली स्टेशन आ चुका है, देखिए कश्मीरी गेट हमारा स्टेशन आ चुका है। तो चलिए यहाँ से हम चेंज करते हैं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए हमने चेंज कर लिया है, मेट्रो का वेट कर रहे हैं, फाइनली मेट्रो हमारा आ चुका है, अभी हम कश्मीरी गेट से हम चलेंगे मेहरौली के लिए। तो चलिए हम यहाँ ऐसे एंट्री कर लेते हैं, तो फाइनली मेट्रो आ चुकी है स्टेशन पे, चलिए हम अंदर आ चुके हैं। पास में सीढ़ी भी दी है दोस्तों, आप चाहे तो सीढ़ी का यूज कर सकते हैं। तो फाइनली काफी चलते चलते पैरों में दर्द हो गया था, हम पहुंच चुके सीढ़ी से कराते जा महारोहण जो कि दिल्ली कुतुब मीनार के पास फाइनली पहुंच चुके। चलिए आपको दिखा देते हैं, तो चलिए फाइनली हम आ चुके हैं कुतुब मीनार। तो चलिए देखिए कुछ इस तरह से लोकेशन है कुतुब मीनार का, यहाँ एंट्री करते ही आपको मुगल बगीचा और कुछ इस तरह से यहाँ टिकट आप ले सकते हैं, और यहाँ टिकट लेने के बाद यहाँ से एंट्री करेंगे कुतुब मीनार के लिए। दोस्तों देखिए सामने कुतुब मीनार है, दोस्तों यहाँ पे जब भी आइए मास्क वगैरह लगा के आइए, क्योंकि इस समय कोविड का काफ़ी ध्यान रखते हुए आइए यहाँ पे। और यहाँ आपको देखिए एक पेड़ गिर गया है जो कि आधी से गिर गया है, तो चलिए आप कुछ दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों मीनार मोनुमेंट्स, तो यहाँ कुछ ऐसे इंट्रोडक्शन दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों अदर। तो यहाँ ऐसे जितने ही कुछ इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ लिखा गया है जानकारियाँ, द दिल्ली सल्तनत रूल द किंग्स आफ्टर द एडवाइस मोहम्मद गौरी से समथिंग, और कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे मुगलों के बारे में, उन्होंने कब तक राज्य किया यहाँ पे दिल्ली में। दोस्तों कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, तो जब भी आप आए तो यहाँ टिकट वगैरह लेके एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे ऐसे एंट्री किए गए, यहाँ से आप एंट्री कर चुके हैं, फिलहाल देखिए सामने कुतुब मीनार दिखाई दे रहा है, काफ़ी मौसम अच्छा हुआ है, धूप भी हो चुकी है। मास्क का ध्यान रखिए दोस्तों, इस समय बहुत ध्यान रखा जा रहा है, कोविड टाइम में मास्क जरूरी है, एंजॉय करिए। तो देखिए वीडियो को एंजॉय करते रहिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ बच्चे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, तो काफ़ी मनमोहक दृश्य है। आप जब भी आइए मौसम का ध्यान रखते हुए आइए दोस्तों, ताकि जब मौसम
मौसम अच्छे होते हैं तो घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है दोस्तों। तो काफ़ी सुहाना मौसम हो चुका है, एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत, अच्छे से धूप निकले हुए हैं ठंड के मौसम में। दो तीन दिनों से काफ़ी धूप नहीं हो रही थी, फिलहाल आज बहुत अच्छे से धूप हुई है। काफ़ी लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हैं दर्शक। कैसा लगा और कमेंट में करिए कि आप कुतुब मीनार कितनी बार घूमने गए हैं, और अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं किस तरह से जाना है सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो कैसे जाना, बस से आपको किस तरह से जाना, मेट्रो से कैसे जाना है, रेलवे लाइन कैसे है, सब कुछ यहाँ लिंक के नीचे मिल जाएगा दोस्तों। देखिए खूबसूरत दृश्य कुतुब मीनार दिल्ली महरौली, आप बस से जाएंगे महरौली पकड़ेंगे आप कुतुब मीनार के पास थोड़ी दूर पे, वो छोड़ देंगे 100 से 150 मीटर। आप पैदल या ई रिक्शा के माध्यम से आप कुतुब मीनार आ सकते हैं, बस स्टॉप थोड़ा दूर है, पास में है लेकिन आपको घूम के आना पड़ता है, इससे 100 मीटर कम से कम आना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ बच्चे और कुछ फैमिली मेम्बर सेल्फी वगैरह ले रहे हैं दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, ब्यूटीफुल मोमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।